हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री हब पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी की काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम लोग पूरी बात डिटेल में करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो काउंसलिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रही है, क्या प्रोसीजर होगा, किस सीक्वेंस में काउंसलिंग होगी, वो सारी बातें हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग इसको रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन जो नोटिस आया है उसको पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन टू ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2021 हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द एमपी स्टेट कंबाइंड काउंसलिंग नीट यूजी 2021 दैट इज ऑनगोइंग। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल क्लोज ऑन 12th ऑफ जनवरी मिडनाइट, ठीक है। यानी कि नीट यूजी 2021 के लिए जो एमपी की काउंसलिंग है वो आपकी 12 को लास्ट डेट है, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब एक बात बता दूँ मैं आपको कि जो आपका एमपी है उसके अंदर फर्स्ट स्टेज की काउंसलिंग की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ वहाँ के जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, यानी उन्हीं को सीट्स अलॉट होंगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अदर स्टेट का है और वो वहाँ पे भोपाल में या फिर एमपी के अंदर प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग चाहता है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट इसी के अंदर करना पड़ेगा। यानी 12th ऑफ जनवरी पे जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसी में रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट एज में काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं होगी, लेकिन सेकंड राउंड में अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बात हो गई। चलिए अब देखते हैं कि ये जो इसका प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है क्या एक्चुअली में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो स्कीम क्या है, यहाँ पर स्कीम ऑफ ऑनलाइन एमपी स्टेट कंबाइंड नीट काउंसलिंग एक्टिविटी बाई कैंडिडेट्स ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग ऑन ऑफिशियल वेबसाइट आपकी dme.mponline.gov.in, ये पोर्टल है आपका। मैं एक बार दिखा देता हूँ पोर्टल भी आपको, ठीक है। चलिए एक बार पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद पोर्टल पे चलते हैं। कैंडिडेट्स प्रोफाइल क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट, सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है और रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे। देन सबमिशन ऑफ चॉइसेस एंड चॉइस लॉकिंग बाय द कैंडिडेट, चॉइस सबमिट करनी है आपको और चॉइस को लॉक कर देना है। फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, राउंड फर्स्ट इज सीट अलॉटेड, दो कंडीशंस हो सकती है अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है आपके पास, क्या क्या हो सकती है देखो। फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट होगी यस, और सीट अलॉट नहीं होगी, यानी अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो क्या होगा, अगर आपको अलॉट होती है तो क्या होगा, चलिए बात करते हैं। रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आफ्टर एडमिशन गिव विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन एज फॉलो। अगर आपका एडमिशन हो गया है इंस्टीट्यूट के अंदर तो कंप्लीट करिए एडमिशन की प्रोसेस को, और आगे आपको अगर अपग्रेडेशन चाहिए तो वहाँ पे जो कैंडिडेट लॉगिन है वहाँ से आप एक बार उसको फॉलो करिए। विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन सेकेंड राउंड यस और नो, कैंडिडेट हु हैव गिवन विलिंगनेस एज यस फॉर अपग्रेडेशन इन सेकेंड राउंड, यानी आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपको सेकेंड राउंड के लिए आपको अपग्रेड करना है, आपको और अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप अपग्रेडेशन के लिए यस करते हैं, और दूसरा है कि आप विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन नो, अगर नो करते हैं तो एंड हो जाएगा, आपको वही कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करो, आप वहाँ पे यस करते हैं तो फ्रेश चॉइसेस सबमिशन बाय ऑल कैंडिडेट्स फॉर सीट अलॉटमेंट इन सेकंड राउंड इज कंपलसरी। अब वो चाहे जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिली है उनके लिए भी सेम बात है, उनको क्या करना है, पहले पोर्टल पे जाना है, डीएमई वेबसाइट पे शेड्यूल सेकंड राउंड का देखना है, और इनको भी यहाँ पे आके वापस फ्रेश चॉइस आपको फिल करनी है। यहाँ पे सेकेंड राउंड अलॉटमेंट होगा, सेकेंड राउंड इज सीट अलॉटेड। अब इसमें दो बातें होंगी आपके सामने, फर्स्ट हो सकती है आपकी, देखिए ध्यान से, सेकेंड राउंड सीट अलॉटेड और नो, ठीक है। अलॉट हो गई तो यस हो गई, अगर आपको अलॉटेड है यहाँ पे तो यस हो गया। रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट वही सेम बात है, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन मोपअप राउंड यस और नो, आपके पास दो चॉइसेज है कि मोपअप राउंड तक भी आप जाना चाहते हो, यानी तीन स्टेप में काउंसलिंग हो रही है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मोपअप राउंड, मोपअप राउंड काउंसलिंग भी है। तो यहाँ पे विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन नो करते हो आप तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, लेकिन अगर आप यस करते हो तो आपको मोपअप राउंड में जाना है। फ्रेश रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने पहले से रजिस्टर कर दिया है उनको वापस रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है,
ठीक, फ्रेश चॉइसेस सबमिशन होगा वापस मोपअप राउंड में, और फिर आपको क्या होगी, सीट अलॉट होगी। अब सीट अलॉट के बाद आपके पास दो चॉइसेस है कि मोपअप राउंड में MBBS एंड BDS सीट इज अलॉटेड, नो और यस। यस होगा तो आप इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करिए और वहाँ पे एंड हो जाएगा। नो, फिलिंग ऑफ स्ट्रे वैकेंसीज ऑफ थ्रू कॉलेज लेवल एडमिशन, तो आप क्या कीजिए कि कॉलेज लेवल पे जो एडमिशन है उसके थ्रू आप क्या कीजिए, चॉइस फिलिंग कीजिए। यहाँ पे कई बच्चों को हो सकता है कि यहाँ पे डाउट आ जाए इस पॉइंट के अंदर कि मोपअप राउंड में क्या करना है, जो स्टूडेंट्स पहले से रजिस्टर करते हुए आ रहे हैं उनको रजिस्टर ही रहना है। देखो स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन होगा तो वही कर पाएंगे। यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन द सेंस ही बोलना चाह रहे हैं कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर लॉगिन। जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया अपना उनको वापस रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे देखो इनके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, इनको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है, और ये जिनको अलाउड नहीं हुआ था उनको एक बार रजिस्ट्रेशन करके, अगर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, नहीं मिलता तो ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं। अब ये एक परफॉर्मा मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये परफॉर्मा आपको यहाँ पे ये क्या होगा कि आपको परफॉर्मा फिल करके देना पड़ेगा। इसके अंदर जो जो चीज़ें आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ढंग से, अगर आपको नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं इसका आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी यहाँ पे, तो एक बार ये ढंग से आप पूरा रीड कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए, किस किस के साइन चाहिए आपको, क्या क्या यहाँ पे सब कुछ डिटेल में एक बार इसको रीड करके, और फिर आपको क्या करना है, इसको परफॉर्मा है जो आपको फिल करके देना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम, मतलब काउंसलिंग जब हो जाएगी सीट अलॉट हो जाएगी, ये परफॉर्मा आपको फिल करके वहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार कैसे आपको क्या करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, मैंने पहले भी शो कर दिया था आपको, ठीक है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल आएगा और यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर आएगा, तो आपको क्रिएट प्रोफाइल पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको NEET UG का रोल नंबर, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है और उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये होगी आपकी। चलिए आगे बात करें, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, स्टेप टू में क्या करना है, एंटर योर NEET UG 2021 रोल नंबर एंड सीक्रेट की एंड कैप्चा, देन क्लिक ऑन क्रिएट प्रोफाइल बटन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इंपॉर्टेंट नोटिस है, एंटर सीक्रेट की 12 डिजिट इन कॉम्बिनेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ ईयर मंथ और डेट, नीट स्कोर XYZ लिखना है आपको, ठीक है। नीट के स्कोर के जैसे ये Y है, ये MMDD 0, और लास्ट में जो नंबर होगा ना यहाँ पे देखिए ये मेंशन है, जैसे आपकी सीक्रेट की जो बनेगी, जैसे मान लो नीट का स्कोर ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है आपकी, तो सीक्रेट की क्या बनेगी, देखो सीक्रेट की आपकी बनेगी, सबसे पहले आपको लिखना है कि आपका ईयर कौन सा है, देन आपको मंथ लिखना है, देन आपको डेट लिखनी है, तो ये बन गई यहाँ तक। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि जो नीट का स्कोर है आपको वो लिख देना है, या फिर एग्जांपल टू ये है नीट का स्कोर ये है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख देना है। और इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज़ गो टू कैंडिडेट कॉर्नर, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको कहाँ जाना है, कैंडिडेट कॉर्नर पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कैप्चा लिखना है और सबमिट कर देना है। चलिए बात करें नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि कैंडिडेट की डिटेल्स, आपको जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। डिटेल्स में एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी आपकी, फ़ोटो प्रूफ आईडी, ठीक है। यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ जो नंबर होगा वो सब, अकाउंट बैंक डिटेल्स भी लिखनी है यहाँ पे, ये सारा बैंक डिटेल्स वाला पोर्शन होगा इसके अंदर। और फिर इसको क्या कर देना है, अपडेट कर देना है, आपको बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद अपडेट कर देना है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या करना है, देखो आपको कैंडिडेट डिटेल्स हो गई जो अभी तक आपने ऊपर फिल किया, सेट पासवर्ड सेट करना है एक आपको, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, उस पासवर्ड के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको फॉलो करते हुए पासवर्ड लिखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेप नंबर 5। After click on validate and save button, a message at displayed below will show message. ऐसा कुछ मैसेज आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर विल शो प्रोफाइल टर्न ग्रीन। यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल में क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन आ जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है आपको, प्रोफाइल के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, अब स्टेप 7 में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के अंदर देखो NRI डिटेल्स, डोमिसाइल डिटेल्स, कैटेगरी PWD, फ्रीडम फाइटर, ये सब चीज़ें, सब्जेक्ट क्या थी, सब्जेक्ट कौन कौन सी आपने ली थी, सब्जेक्ट के मार्क्स क्या थे, ऑप्टेन मार्क्स क्या थे, पास हुए फेल हुए कितनी परसेंटेज है,
मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, टोटल मार्क्स कितने थे, उस तरीके से आपको लिखना है। फिर लास्ट में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे कर देना है, डिक्लेरेशन पे यस कर देना है और सेव डेटा कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आएंगे, प्लीज़ डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव इनक्लोजर। यहाँ पे आप व्यू कर लेना एक बार, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को, जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं आपको मैं एक बार मेंशन यहाँ दिखा देता हूँ। नीट एडमिट कार्ड, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 11th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, एमपी डोमिसाइल, एफिडेविट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट, ये सब आपको लिखना है, अपलोड करना है और सेव कर देना है इसे, ठीक है, इसको सेव कर देना आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप लोग आएंगे तो इसके बाद क्या है, आपके पास स्टेप 9 है। इसके बाद क्या है, आपने ऑलमोस्ट ऑल सारी चीज़ें फिल कर दी है, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करो, फीस डिटेल्स आपको दी हुई है, या फिर बैक टू रजिस्ट्रेशन, या फिर प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको आगे जाना है, आपको पेमेंट करना है यहाँ पे, तो आपका पेमेंट जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन द रिसिप्ट विल बी जनरेटेड, उस रिसिप्ट को आपको क्या करवा लेना है, प्रिंट करवा लेना है, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। आफ्टर पेइंग द रजिस्ट्रेशन फीस कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट एंड द रजिस्ट्रेशन बटन ट्रैकर विल टर्न, आपका कैसा हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ग्रीन हो जाएगा। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी, फिर उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा, रिपोर्टिंग करना है इंस्टीट्यूट को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ फीस डिपॉजिट होगी, एडमिट एट इंस्टीट्यूट एंड विलिंगनेस टू अपग्रेड यस या नो वो आपकी चॉइस होगी। इस तरीके से आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया हो और काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।